तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। हम यहाँ पर डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से डेरिवेशन किरचॉफ्स करंट लॉ का होता है, हम इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ वोल्टेज हम मान लेते हैं, इसका वोल्टेज क्या है, वी वन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाई वन। यहाँ पर तीन नोड हैं, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ये नोड वन है, ये नोड आपका टू है, और इसका एक कॉमन नोड है जो कि मान लेते हैं यहाँ पर एक नोड या थ्री है। लेकिन इस नोड, ये कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट का जो हम वोल्टेज होता है जीरो पोटेंशियल होता है, जीरो वोल्टेज होता है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज ये आपका जीरो होगा, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट होता है। और जो ऊपर है एक और दो, ये जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टोटल जंक्शन है, तीन नोड हैं, जिसमें से दो नोड का वोल्टेज पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, लेकिन ये तीसरा जो आपका नोड है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है और इसका जो पोटेंशियल होता है ये होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ का कितना पोटेंशियल है, जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो नंबर ऑफ नोड जो है वो थ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम केसीएल को अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड फर्स्ट। पहले अलग अलग नोड पे हम मान लेते हैं कि जो नोड वन है, नोड वन के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो क्या है, बी ए है, और नोड टू के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो क्या है, बी बी है, ठीक है। तो इस तरह से दो यहाँ पर नोड हैं जिनका पोटेंशियल बी ए और इतना बी बी है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अप्लाई, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई के सी एल एट नोड वन। मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो इस नोड में पहले अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। यदि यहाँ पर करंट नहीं दी हुई है तो आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें करंट डायरेक्शन ले लिया, ये आई वन, यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन ले लिया इस ब्रांच में, आई टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन ले लिया आई फोर, यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन ले लिया आई थ्री, फिर इसके बाद में मैंने इसमें करंट डायरेक्शन ले लिया आई फाइव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी ब्रांच में आर वन के में फ्लो होने वाला करंट आई वन है, आर टू में आई टू करंट फ्लो होता है, आर थ्री में आई फोर करंट फ्लो होता है। यहाँ पर इस प्रकार से हम सभी ब्रांच में करंट की डायरेक्शन ले लिए। इसी प्रकार से सबसे पहले आपको करंट की डायरेक्शन सभी ब्रांच में लेना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, यदि गिवन नहीं है तो। यदि सर्किट में डायरेक्शन करंट की गिवन है, दी हुई है, तो उस केस में आपको डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। यदि सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है बेटा, तो आप लोगों को सर्किट में डायरेक्शन सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया है, आई होप आपको क्लियर है स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें हम केसीएल कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, नोड वन पे। मतलब इस नोड पे हम क्या कर रहे हैं, केसीएल को अप्लाई कर रहे हैं, इस नोड पर हम केसीएल को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए केसीएल का क्या फॉर्म होता है, स्टेटमेंट कि किसी भी नोड या जंक्शन की ओर आने वाली करंट उस जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के इक्वल होता है। ओके, ये हमने स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चलिए इसमें आने वाली करंट इस नोड की ओर है आई वन और आई फोर, इस नोड से बाहर जाने वाली जो करंट है वो क्या है, आई टू है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आई वन प्लस आई फोर इक्वल्स टू आई टू, ठीक है। यहाँ पर आपका जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई वन नोड की ओर आने वाला करंट है और आई फोर भी नोड की ओर आने वाला करंट है, तो हम इनको प्लस में ले लिया, इक्वल बाहर जाने वाला करंट कितना, आई टू है, तो हमने इसको आई टू ले लिया। अब हम जानते हैं कि इस ब्रांच का वोल्टेज हम लेंगे या करंट की वैल्यू, करंट लेंगे तो करंट हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर। तो हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में करंट की वैल्यू लिखेंगे, आई वन लिखेंगे, तो आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट देखो ये प्लस से बाहर करंट निकल रहा, प्लस प्लस से बाहर, तो आप इसको प्लस ले लेंगे, ई वन किसकी ओर जा रहा है, ये वीए की ओर जा रहा है, और ये इसका पोटेंशियल लगभग प्लस है, दिया नहीं है तो मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस वी ए डिवाइडेड बाई इसके अक्रॉस आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस, कितना है इसमें रेजिस्टेंस, आर वन। तो ये आई वन की वैल्यू हो गई, मतलब आई वन की वैल्यू आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर,
आई वन इक्वल्स टू ई वन माइनस बी ए, इसके पोटेंशियल कितना बी ए है, तो हम ये ले लिया डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना आर है, आर वन है, तो हमने आर वन ले लिया। यहाँ पर फिर क्या है, आई टू है, तो आई टू क्या है, आई टू देखोगे तो बी ए की ओर से फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर करंट जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल नीचे कितना है माइनस, और ये माइनस कितना है ई टू है, ठीक है, क्योंकि करंट माइनस में एंटर कर रहा है, तो आपको ये माइनस भी लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस आर टू। इसके बाद में हम आई थ्री की वैल्यू लिखेंगे, आई थ्री सॉरी आई फोर यहाँ पर है, आई फोर की वैल्यू लिखेंगे, तो आई फोर कितना है यहाँ पर, आई फोर बी बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई आपको लिखना है आर थ्री, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आई फोर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर देखोगे, वी बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई आर थ्री इक्वल्स टू, आपको क्या पुट करना, आई टू की वैल्यू पुट कीजिए, तो वी ए देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई टू डिवाइडेड बाई आर टू, तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल गई है। अब इसको सॉल्व करके आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे अप्लाई के सी एल एट नोड टू, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, इसमें देखिए ये नोड टू है, इसमें अंदर आने वाली करंट क्या है, यहाँ पर अंदर आने वाली करंट क्या है, यहाँ पर आई थ्री है, बाहर जाने वाली करंट आई फोर है, और बाहर जाने वाली करंट ये भी आई फोर है, तो यहाँ से आप हो जाएगा आई थ्री इक्वल्स टू आई फोर प्लस आई फाइव, इस तरह से आपका हो जाएगा। आई थ्री की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर आई थ्री है, ये है, नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रही है, प्लस से इधर जा रही है, तो आपको आ जाएगा ई थ्री माइनस बी बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर फोर, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस। इसके बाद में देखेंगे इक्वल्स टू आई फोर कहाँ पर फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में डायरेक्शन ये है, तो आपको आ जाएगा बी बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई आर थ्री। इसके बाद में प्लस आई फोर कहाँ पर है, आई फोर किस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, आपका आई फोर जो है ये ले लिया आपने आई, अब यहाँ पर हम आई फाइव ले लेंगे, आई फाइव ये इस ब्रांच में हो रहा है, मतलब कि बी बी से कहाँ की ओर फ्लो हो रहा है, ई फोर के लिए डिवाइडेड बाई आर फाइव, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से वोल्टेज बी ए और ई वन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बी ए बी बी और ई वन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।